मैं किसी औरत को देखा बड़ी सोहनी सी, मैं ते मणक साहब बैठे कितने औरत नहीं जच नहीं रही सी पर हुसन बहुत सी उहदे। तो मैं मणक साहब पुछया, मणक साहब वैसे प्यार दी गल्लां सी अश्लील कदे नहीं कीतियां, प्यार दोस्त तौर ते गल्लां कर लैंदे सी। मैनूं कहिंदा अलवेल मैं समझ गया तेरी गल, तेरे अंदर कोई गीत उपज रहा होना, हिट दा ही एक मनसूबा हुंदा, पर मैं ये दसा भी गीत एक कुड़ी क्यों नहीं जच रही, क्योंकि ये नखरा नहीं। तो कहिंदा गीत लिख तू, उन्होंने मैनूं कहा, फिर वो मेरा गाना सी, बंदे विच रड़क ना होवे, टीवी विच मड़क ना होवे, जुत्ती विच जरक ना होवे, जे राइयां नूं दसदी ना, नखरे बिन सोहनी तीवी, पूरा भी जचदी ना, नखरे बिन सोहनी तीवी। अच्छा, फिर किन्ने समय पूरा हो गया सी गीत? ये मेरा ख्याल है भी मणक साहब बैठे बैठे, मणक साहब मेरे को थर्म कलोनी च, मैं उस समय रहायश सी मेरी, मेरे को स्टे किया सी उत्थे ही, जरा मतलब आप कही भी हैपनिंग हुई सी उत्थे, गाना लिख के मणक साहब फड़ाता शाम। अच्छा, शाम को फड़ाता सी। बिल्कुल। कोई यह जहाँ गीत है जो विचर जो हो, बहुते कलाकार गीतकार बहुते ये भी आखने के यार एक टप्पा हले लिख हले पूरा करना पूरे नहीं हुआ, इदा है कोई गीत थोड़े? मेरा मनना यह है जदों गीत लिखते तो सोच लग गए, समझ लो ब्रेक लग गई, जो गीत का बहा है वह रुक गया, जिदा पानी चल रहा है समझ लो अगर वट पा दी तो पानी उखड़ गया, हवा आ रही है कोई ओला करता तो रुक गई, उदू गांव के सार बहुत घट होंगे। तो इदा कदे मेरे नाल होया नहीं, इन्ना जरूर है भी जदों मैं सुच्चा सिंह सूरमा लिखा सीगा उदों मैं एक नवा नवा राइटर सी, जदों मैं गीत लिख रहा सी ना, इस मैं चाहुंदा सी भी 11 जिहड़े कतल कीते सुच्चा सूरमे ने वो 11 कतल भी आ जाण, ते उहदे वास्ते मतलब इह गीत ज़्यादा लंबा भी ना बने, मेरा नाम भी आना चाहिए, शुरुआत भी आनी चाहिए है। तो वह गीत लिखण की का खातर मैं अंतरां विच ही दो दो लाइनां होर पा के, अच्छा ਉਹ ਅੰਤਰੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਹੀ ਫਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, पर हर वे बंदे दे अंदर प्रवाह चलता रहता है, ये दिमाग हर वे विचार चलते रहते, विचार तो कदे इंसान खाली नहीं हुंदा। मेरे हुण भी इस टाइम इंटरव्यू देंदे देंदे कुछ गल्लां जो मैं करदा, अच्छा मेरे अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहिंदा, ठीक है। तो जिस तरह मैं कहना भी इदां दा माहौल जिथे आपां बैठे हैं, इहो जिहे माहौल च बैठे होईए ते यार दोस्त नाल होण ते महफल सजी होवे ते इंजॉय करना होवे, मेरे अंदर चल रहा कुछ ना कुछ, तो हमेशा वास्ते ये गल्लां मेरे अंदर ऊं चलदे रहिंदियां सी। मैनू इहदे कोई माहौल की लोड़ नहीं, बस सिर्फ इन्ना हुंदा है भी कोई टेंशन ना हो, मैं ज़्यादा बिजी हुआ ज़्यादा गीत उड़दे आ, मैं गड्डी चला रहा हुआ ज़्यादा गीत उड़दे आ, कई बार मैं खाना खा रहा हुआ जां कि आपदे कि हाजत ते बंदा बैठा होवे उदों भी गीत उड़दे आ, मेरे वास्ते खास माहौल की लोड़ नहीं, बस इन्ना हुंदा है भी सिखावां माहौल होवे कोई टेंशन ना हो, बाकी मैनू हर वेले भी ये प्रवाह चलता रहता है। अच्छा, मणक साहब नाल किदां दा प्रेम प्यार किदां दा सी? असल गल दसां जी, मणक साहब नूं याद करके मैं अज्ज वी मतलब मैं माहौल मेरा गमगीन हो जाता है, जिन्ना वो वधिया एक कलाकार सी, इंसान बहुत वधिया सी, जिन्हों जिन्ना जिन्ना मिले है, जे बंदा कोई मतलब नूं उहनूं मिलिया हो सकता भी उहदा मतलब हल ना होया होवे, उहनूं मणक साहब उन्ने वधिया ना लगदे होण, मैं सिर्फ उन्हां नूं एज ए कलाकार भी कलाकार सी मिलिया सी, पर उस तो बाद उन्होंने मैनू एक वड्डे भरा होने के नाते मैनू एक छोटे भरा नूं बहुत प्यार दिता, बहुत सत्कार दिता, बड़ा नाम दिता, पर जे मैं गल करा जिन्ने वधिया कलाकार जी जी उस तो बद के बहुत वधिया इंसान सी, अच्छा जी, पर उन्हें समझने की लोड़ सी, बहुत वधिया मतलब कलाकार सी, बड़ा उन्होंने मेरा प्यार सी, अज भी कदे कदे मैं जो बचपन दियां पुरानी गल्लां बचपन नहीं कह सकता गल्लां मैनू याद आउंदियां तो दिल खुश भी हुंदा और दिल मेरा मतलब अंदरों रुसदा भी है, मतलब दुखदा भी है भी इन्ना वधिया कलाकार जिन्हें अजे बहुत मेरे गीत भी गाने से स्रोतों बड़े उन्होंने गीत देने से जल्दी दुनिया चले गए, पर मैं एक गल कह भी मणक साहब कलाकार के नाल बहुत वधिया दोस्त भी सके बहुत वधिया इंसान से।